हे गाइस, वेलकम टू आर के मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया कारंस के प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट के बारे में। तो ये जो गाड़ी आप सामने खड़ा हुआ देख रहे हैं, ये प्रेस्टीज प्लस पेट्रोल वाला वेरिएंट है, पर डीजल में भी गाड़ी सेम ही आती, कुछ थोड़े से डिफरेंस होता है फीचर्स का, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। पर मेनली ये वीडियो होने वाली है पेट्रोल के अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में। तो अगर आप एक ऐसा वेरिएंट देख रहे हैं कारंस के अंदर पेट्रोल के अंदर, जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि अलॉय व्हील, ऑटोमेटिक हेडलाइट, क्रूज कंट्रोल, वाइपर, डिफोगर, वॉशर, तो ये वाला वेरिएंट आप बिल्कुल डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिक सी सारी सारी चीज़ें आने लग जाती है। इससे पहले वाले वेरिएंट के अंदर ना DRLs आ रहे थे, ना बेसिक फीचर आ रहे थे, तो इस वेरिएंट में आपको ऑलमोस्ट सारे बेसिक फीचर देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं लगते, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और इस तरीके की वीडियो आप और भी देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे इसकी रील्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी एक शोरूम प्राइस की बात करते हैं तो 13,89,900 रुपये का इसका एक शोरूम प्राइस है। स्क्रीन के ऊपर आप इंग्लिश के अंदर देख सकते हैं। उसके अलावा अगर ऑन रोड की बात करते हैं तो 15,59,046 रुपये का ये जाता है, और अगर विद एक्सेसरीज एंड वारंटी आप इसको कंसिडर करते हैं तो 16,11,971 रुपये का ये हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। उसके अलावा प्राइसिंग की अगर और बात करता हूँ तो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं, कहीं पर आपको थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा, पर एक शोरूम प्राइस आपको ऑल ओवर इंडिया सेम देखने के लिए मिल जाता है। तो अब और डिटेल से बात करते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए हमें मिलती है। तो अगर चाबी की बात करते हैं तो पेट्रोल में आपको कुछ इस तरीके की चाबी देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर आपको लॉक का, अनलॉक का, उसके अलावा होल्ड रखेंगे तो बूट ओपन हो जाएगा, कोई स्टार्ट का ऑप्शन इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि आपको डीजल के अंदर यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा अगर इसी वेरियंट के अंदर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो इसके अंदर भी आपको जो स्टार्ट का बटन आता है वो देखने के लिए मिल जाता है। सेकंड चाबी कुछ इस तरीके की आती है, इसके अंदर आप पहले के कंपैरिजन में वो वाली चाबी नहीं आएगी, अब एक फोब यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और उसके अलावा जो सेकंड फोब आता है वो 6 महीने बाद आपको मिलेगा, मतलब किया की तरफ से सेमीकंडक्टर इशू हुई से, उनकी भी मैंने डिटेल डाली हुई है। तो चलिए गाड़ी के बारे में शुरुआत करते हैं और मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें इसके साथ देखने के लिए मिलती है। तो अगर फ्रंट लुक की बात करते हैं तो फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाता है। गाड़ी साइड से काफ़ी ज़्यादा चौड़ी लगती है, उसके अलावा फ्रंट से उतनी ही ये छोटी छोटी फील होती है। अब इस वेरिएंट के साथ में बात करते हैं तो DRLs जो आपको देखने के लिए मिलते हैं ये इसी वेरिएंट से स्टार्ट होते हैं, इससे किसी पहले वाले वेरिएंट के अंदर आपको DRL देखने के लिए नहीं मिलते थे। और ये जो फ्लिकरिंग हो रही है ये कैमरा की FPS की वजह से हो रही है, तो ये आप ये मत समझिएगा कि ये मतलब फ्लिकरिंग करते रहते हैं, ये ऑन ही रहते हैं नॉर्मल। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो हैलोजन हेडलाइट देखने के लिए मिल जाती है, उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडिकेटर की प्लेसमेंट आती है, हेडलाइट आपको ऑटोमेटिक इस वेरिएंट के साथ देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे डिजिटल रेडिएटर ग्रिल आ जाती है, उसके साइड में यहाँ पे आपको सिल्वर कलर मतलब क्रोम की एक बेल्ट देखने के लिए मिल जाती है फ्रंट में। उसके अलावा नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो किया सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल आती थी, अब उसको नीचे शिफ्ट कर दिया गया और ये इस वेरिएंट के साथ में आपको सिल्वर की देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, टोइंग का हुक देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल फ्रंट का अगर आप लुक देखेंगे कुछ इस तरीके का देखने के लिए आपको मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा शानदार आता है, और तो खासकर इसके DRL से चलती गाड़ी के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। यह आप इसका देख सकते हैं जो फ्रंट का है, और जो पैसेंजर साइड का लुक जो आता है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा शानदार की देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इसका लुक दिखेगा, तो इसकी लेंथ जो आती है 4540mm आती है, जो कि सेगमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी आती है। उसके अलावा व्हील बेस इसके अंदर सेगमेंट का ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको 7 बंदे इसके अंदर एडल्ट जो साइज़ के होते हैं वो आप इसके अंदर ईजिली बैठा सकते हैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। इंडिकेटर जो आते हैं वो आपको OBRM पे देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्लोटिंग टाइप की रूफ रेल आ जाती है, जो ए पिलर आता है, बी पिलर आता है वो आपको ब्लैक कलर का देखने के लिए मिलेगा, और सी पिलर जो आता है वो आपको बॉडी कलर का देखने के लिए मिलता है। 45 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो डोर हैंडल है वो बॉडी कलर मिलेंगे। उसके अलावा जो क्रोम बेल्ट लाइन है वो आपको यहाँ से और यहाँ तक पूरी गाड़ी पर मैच होती हुई नजर आती जाती है। अब गाड़ी की अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो 195mm का आ जाता है, तो नीचे से भिड़ने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको, अगर नज़र आ रहा हो तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा इसके अगर टायर की बात करते हैं तो टायर सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे 205/65R16 का इसके अंदर टायर सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा TPMS इन टायरों के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। ओल्ड डिस्क ब्रेक आते हैं जो कि वेंटिलेटेड है। उसके अलावा ये ड्यूल कट के आपको अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे दिखने में मतलब इसको बना लेते हैं, जैसे दूर से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखे ये नज़र आते हैं। यहाँ पे रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं, तो चारों डिस्क ब्रेक इस वेरियंट में देखने के लिए आपको मिलेंगे। अब इसका जो लुक आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इसका पैसेंजर साइड का और रियर का लुक इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। अब रियर में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको शार्क फिन एंटीना नज़र आ जाएगा, तो यहाँ पे इस वेरिएंट में आपको इससे पहले वाले भी शार्क फिन एंटीना आ रहा था। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर देखने के लिए मिल जाता है, हाई मोटर स्टॉप लैंप आ जाती है,
वाइपर, वॉशर, डिफोगर आपको तीनों चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो ये वाली वेरिएंट इसी के अंदर ऐड होती है, सिर्फ पहले वाले किसी वेरिएंट को वाइपर, डिफोगर, वॉशर देखने के लिए नहीं मिलता है। जो इसकी लाइट आती है वो भी एलईडी के अंदर दी गई है, मतलब कि जो टेल लाइट है वो एलईडी में आती है पूरा सेटअप। जब भी आप ब्रेक दबाएंगे ये और जब भी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, और यहाँ पे इंडिकेटर क्या आता है हैलोजन के साथ में, उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिवर्स गियर की लाइट देखने के लिए मिल जाती है, जो कि इसकी लुक को मतलब रोड प्रेजेंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छे बना देते हैं। कनेक्टिव टाइप की इसके अंदर रिफ्लेक्टर दी गई है, लाइट नहीं आती है वेन्यू की वजह से, इसके अंदर सिर्फ आपको रिफ्लेक्टर बेस यहाँ पे एक ये दिया गया है। रियर बम्पर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको चार पार्किंग सेंसर देखने के मिल जाते हैं। सिल्वर कलर की आपको यहाँ पे रियर बम्पर पे गार्निश मिल जाएगी, ब्लैक कलर की स्किड प्लेट इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। और बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इसके अंदर किया गया यहाँ पे सेंटर में आपको लोगो देखने के लिए मिल जाता है, कारंस की बैजिंग आ जाती है, उसके अलावा जो टर्बोचार्ज इंजन आता है इसके अंदर TGDI की उसकी बैजिंग आ जाती है, और यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। तो डीजल के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे TGDI की बैजिंग नहीं आएगी, यहाँ पे कोई भी बैजिंग नहीं आएगी, सिर्फ कारंस लिखा मिलेगा आपको, ये वाली चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अब इसके अंदर जो बात करते हैं तो डिपार्चर एंगल गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ईजिली अगर कहीं पे अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेयर व्हील देखेंगे तो सेम साइज का आता है 16 का, पर ये अलॉय नहीं आता, नॉर्मल आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। बाकी जिनके अंदर 15 इंच के टायर आते हैं उनमें 15 का ही मिलता है, जिनके अंदर 16 का आ रहा है उनके अंदर 16 का ही मिलता है। यहाँ पे 216 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे कुछ हिडन स्पेस भी मिल जाता है जिसके अंदर आप छोटा मोटा सामान इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। इन सीटों का आप रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं, तो जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल मतलब लगता है वहाँ पे रख सकते हैं। अगर बच्चे बच्चे बैठे हुए हैं तो आप इस एंगल में सेट कर सकते हैं, उसके अलावा बड़े रहेंगे तो इनको मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल पे सेट कर सकते हैं। उसके अलावा इन सीटों को आप फोल्ड भी कर पाएंगे, तो ऐसे करके आप इनको फोल्ड भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारा बूट स्पेस आ जाता है, तो इसके अंदर कितना भी सामान आप इसके अंदर रख सकते हैं। अगर 5 बंदों में सफ़र कर रहे हैं आप तो बड़ा ही कंफर्टेबल होने वाला है, कितना भी सामान आप इसके अंदर रख सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे बैठना चाहते हैं तो भाई आराम से इसके अंदर आप बैठ भी सकते हैं। और ये वाली जो सेकंड रो की सीट है ये भी फोल्ड हो जाती है, वो मैं दिखा दूंगा आपको। अब यहाँ पे बात करते हैं तो लगेज लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कोई सामान हैंग करने के लिए दोनों साइड आपको हैंगर मिल जाते हैं, या जो इनका वो आता है लगेज ऑर्गेनाइजर वो भी आप इसके अंदर लगवा सकते हैं। यहाँ पे थर्ड रो के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, फ़ोन होल्डर आता है, और दो सी टाइप के इसके अंदर चार्जिंग पॉइंट देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इसके अंदर लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे डिफ्यूज़र टाइप के एसी वेंट आपको थर्ड रो में देखने के लिए मिल जाते हैं। ये इसका इंटीरियर मतलब लास्ट से जो ऑप्शन आता है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर जो इसका लुक आता है ड्राइवर साइड का और रियर का, वो आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। ये भी सेम ही मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज़ एडिशनल आती है, वो आता है रिक्वेस्ट सेंसर। तो इसके अंदर इसको दबा के आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, उसके अलावा चाबी आपके पॉकेट में होगी तो भी कोई इशू नहीं आता, तो ये वाली चीज़ मिल जाती है। अब यहाँ पे इसके अंदर जो इंटीरियर आता है वो इसका ड्यूल टोन इंटीरियर आता है, मतलब ब्लैक और इसके अंदर बीच का कॉम्बिनेशन आता है, और जगह जगह पे आपको सिल्वर कलर के एक्सेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। और डोर्स की बात करते हैं, चारों पावर विंडो आती है, जो ड्राइवर साइड वाली ये विंडो आती है वन टच अप एंड डाउन फीचर के साथ में आती है, तो वन टच प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ऊपर चली जाएगी और अपने आप नीचे आ जाएगी। एंटी पिंच का फंक्शन भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है, चाइल्ड लॉक यहाँ पे आता है विंडो के लिए, और लॉक अनलॉक करने के लिए, फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, मिरर को सेट करने के लिए यहाँ पे आता है। स्पीकर इसके अंदर अगर बात करूँ मैं तो चार स्पीकर आते हैं, दो ट्विटर आते हैं। यहाँ पे बोटल होल्डर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, एक लीटर की, आधे लीटर की, आधे लीटर की, और अम्ब्रेला होल्डर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा किया गया, और यहाँ से आप इसको पकड़ के क्लोज कर पाएंगे। ड्राइवर सीट की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कुशनिंग वाली सीट आपको देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पे एयरबैग भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेमी लेदर सीटें आती हैं, यहाँ पे साइडों में देखेंगे तो लेदर का यूज़ किया गया, और सेंटर में यहाँ पे फैब्रिक देखने के लिए मिलता है अपने को। सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आता है, आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइनिंग एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा ऊपर नीचे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से फ्यूल टैंक ओपनर आता है, यहाँ से आप बोनेट ओपन कर पाएंगे इसका। उसके अलावा ABC पैडल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अंदर बात करता हूँ कि अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, तो सीट पीछे कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ इस तरीके का आपको स्टेयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे हेडलाइट लेवलर आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का स्विच आता है, उसके अलावा पुश बटन स्टार्ट आता है, यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा, AC वेंट यहाँ पे कुछ इस तरीके के दिए गए छोटे छोटे जो कि नज़र नहीं आते आराम से। उसके अलावा बात करते हैं जो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट के स्विचेस मिल जाते हैं, ऑटो पे करेंगे तो अपने आप जलती रहेगी। यहाँ पे आपको मैनुअल वाइपर के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं, और जो स्टीयरिंग आता है वो नॉर्मल आता है, यहाँ पे कोई भी लेदर का यूज़ नहीं किया गया है, अगर किया गया होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ पे आप चाहते हैं कि लेदर मिले ना मिले, तो हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे भी लेदर आने लग जाए या गियर लीवर पे भी लेदर आने लग जाए। तो ये मेरे को पर्सनली जो टच पॉइंट होते हैं गाड़ी में चलाते टाइम पे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अगर यहाँ दोनों चीज़ों पर लेदर भी यहाँ पर आ जाता। तो उसके अलावा ये वाले कंट्रोल म्यूज़िक सिस्टम के लिए आते हैं, ये वाले कंट्रोल
इसके आते हैं MID को कंट्रोल करने के लिए और क्रूज़ को वगैरह सेट करने के लिए आते हैं। MID के अंदर यहाँ पे आपको टोटल जो रेंज होगी गाड़ी की वो शो होने लग जाएगी। यहाँ पे टोटल किलोमीटर ड्राइवन जो गाड़ी है वो दिखाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर दिखा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीड शो होती रहेगी, यहाँ पे RPM शो होते रहेंगे और इसके नीचे यहाँ पे टेम्परेचर का आता रहता है गाड़ी के साथ में, और यहाँ पे फ्यूल का आ जाएगा। वार्निंग लाइट काफ़ी सारी आती है इसके अंदर, और जब भी आप स्लाइड को चेंज करेंगे तो यहाँ पे करंट आप जो माइलेज निकाल रहे हैं वो शो करेगा। उसके अलावा जो TPMS वगैरह के हैं वो चीज़ें यहाँ पे शो करता रहेगा अपना। डैशबोर्ड की बात करते हैं तो इसके अंदर पूरा ब्लैक कलर के आता है, मतलब ग्लोसी ब्लैक नहीं है, नॉर्मल स्टैंडर्ड जो ब्लैक आता है वो इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको शाइनिंग वाला मिल जाता है। 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम है विद एंड्रॉइड एप्पल कार प्ले देखने के लिए मिल जाता है इसके साथ में, तो ये भी काफ़ी सारी अच्छी चीज़ आती है। स्पीकर ठीक ठाक क्वालिटी के देखने के लिए मिलेंगे आपको। इसके नीचे यहाँ पे 2 AC वेंट आ जाते हैं, फुल ऑटोमेटिक AC यूनिट आ जाती है। टेम्परेचर सेट करना है आपको बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना, आराम से टेम्परेचर सेट करो अपने आप कूल कर देता है। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल आ जाते हैं, जैसे कि फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन करने के लिए, यहाँ पे USB लगाने के लिए, यहाँ पे टायर इन्फ्लेटर लगाने के लिए, और सी टाइप का पोर्ट आ जाता है और DBC का स्विच आ जाता है। कोई भी वेंटिलेशन या वायरलेस चार्जर यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। गियर रेल को इस तरीके का आता है, 6 गियर के साथ में आता है ये ट्रांसमिशन। जैसे ये वाला टर्बो चार्जर ये भी 6 गियर के साथ में आएगा। उसके अलावा जो डीजल आता है 1.5 वाला वो भी आपको 6 गियर के साथ में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे पूरा ब्लैक आता है, ग्लोसी ब्लैक आएगा, और यहाँ पे साइड में आपको सिल्वर कलर का एक्सेंट देखने के लिए मिल जाता है। कप होल्डर आता है यहाँ पे, बोतल होल्डर आता है, और इसके अंदर भी हवा का ऑप्शन आता है। तो इसी वेरिएंट से आपको हवा यहाँ पे जो इसके अंदर आती है वो भी आप यहाँ से इसी वेरिएंट के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। हैंड ब्रेक कुछ इस तरीके का आता है। उसके अलावा फिक्स आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है आपको यहाँ पे, और इसके नीचे देखेंगे तो स्पेस आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे कोई भी सामान आप इसके अंदर इजीली प्लेस कर सकते हैं अपना आराम से। एयरबैग की बात करता हूँ तो 2 एयरबैग यहाँ पे है। सेफ्टी के अकॉर्डिंग कोई बात नहीं करेंगे, पर मैं बता देता हूँ आपको कि एक एयरबैग यहाँ पे है 2 सीटों के अंदर। उसके अलावा 2 पिलर्स में आते हैं, तो 6 एयरबैग इसके अंदर टोटल दिए गए हैं। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स का साइज़ आप कुछ देख सकते हैं। कूलिंग का इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। जो मिरर आता है डे नाइट एडजस्टेबल वाला यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सनग्लास होल्डर आता है, यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट देखने के लिए मिलती है। LED होती तो वो भी ज़्यादा अच्छा होता, पर इसमें वेरियंट में आपको हैलोजन ही देखने के लिए मिलेगी। इनको आप मैनुअल भी क्लोज ऑफ कर सकते हैं, मतलब कि ऐसे ऑन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और बंद रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। माइक एक यहाँ पे दिया गया है, तो ये वाला यहाँ पे हो जाता है। अब बात करते हैं रियर सीट की, कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है। ट्विटर की प्लेसमेंट दिखा देता हूँ, ट्विटर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इस वेरिएंट के साथ में। अब रियर सीट पे सबसे पहले अगर डोर के खुलने के एंगल की बात करते हैं तो कुछ इस एंगल का ये डोर खुलता है, और यहाँ पे किसी भी साइज़ का बंदा आराम से जा सकता है, कोई भी दिक्कत उसको आने वाली नहीं है। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट आ जाती है इसके साथ में, यहाँ पे पावर विंडो का स्विच आ जाता है, और यहाँ पे भी आपको स्पेस भर भर के देखने के लिए मिल जाता है। अब इन वाली सीटों को भी आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन एंगल इसका एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हाइट का कोई ऑप्शन आता नहीं है। अब यहाँ पे जैसे मैंने सेट की हुई थी, तो यहाँ पे अगर आप 6 फीट का बंदा आगे बैठाएंगे, 6 फीट का बंदा यहाँ पे बैठाते हैं, तो थर्ड रो में 6 फीट का नहीं बैठेगा, वहाँ पे आपको छोटा बच्चा ही बैठाना पड़ेगा। पर अगर एक बंदा भी यहाँ पे 5'7" 5'8" का मेरे जैसा है, तो आराम से 6 फीट के बंदे आराम से बैठ सकते हैं। रियर AC को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे नोब आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे 2 C-टाइप के पोर्ट आ जाते हैं, फ़ोन या अपना कैन रखने के लिए स्पेस आ जाता है, और इसके अंदर भी हवा आती है AC की, तो वो जो चीज़ रखेंगे वो भी आराम से इसके अंदर ठंडी होती रहेगी। यहाँ पे सेंटर हम्प की बात करते हैं तो बिल्कुल ना के बराबर देखने के लिए मिलता है, तो तीसरा बंदा इसके अंदर आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता है, उसको कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो सेंटर में लेदर का यूज़ किया गया है, ये वाली चीज़ आती है। उसके अलावा ये यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है, तो इसके अंदर इसको आप आराम से निकाल के यहाँ पे आर्मरेस्ट भी बना सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं यहाँ पे, ये वाली चीज़ आती है। उसके अलावा आइसोफिक्स साइड एंकर भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है हमें। रियर में अगर सीटों बात करते हैं तो एक पॉकेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, और 2 पॉकेट यहाँ पे आती है छोटी बड़ी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे लाइट का ऑप्शन ये मिल जाएगा आपको। उसके अलावा यहीं पे आपको AC वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। सिर्फ एक साइड में आपको यहाँ पे कोट हैंगर देखने के लिए मिलेगा, और ये वाली चीज़ यहाँ पे सेकंड रो में हो जाती है, आप इनका भी सेट कर सकते हैं। थर्ड रो के अंदर मैंने आपको दिखाई दिया था, स्पेस की कोई कमी नहीं है, आराम से आप इसके अंदर बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब एक बार इंजन पे और दिखा देता हूँ, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो चलिए इंजन पे दिखाता हूँ आपको। तो ये इसके अंदर 1.4 का टर्बोचार्ज इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि सेम आपको सेल्टोस में देखने के लिए मिलता है, वही वाला इंजन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। 140 PS की पावर बनाता है ये, और काफ़ी सफिशिएंट है। सिर्फ आपको शुरुआत में जब गाड़ी आप फर्स्ट टाइम इसको ड्राइव करेंगे तो हो सकता है आपको टर्बो लैग लगे इसके अंदर, वो वाली चीज़ सिर्फ फील होती है, उसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ RPM के जैसे टर्बो स्टार्ट होता है आपको, मतलब काफ़ी सारी पावर देखने के लिए मिल जाती है, और 4 सिलेंडर इंजन है तो रिफाइंड भी है। स्टार्टिंग में सिर्फ आवाज़ करता है, उसके अलावा कोई भी इसके अंदर आवाज़ का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कोई भी NVH को कंट्रोल करने के लिए वो नहीं दिया गया, क्योंकि ये इंजन वैसे ही इतना साइलेंट है, सिर्फ स्टार्टिंग में आवाज़ करता है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपकी जो राय है इसके ऊपर वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इसकी रील्स वील्स देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी रील्स डाली हुई है, और वहाँ पे भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा यूट्यूब पे सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं मेरे को बताइए, मैं ज़रूर उसकी वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।